ये देखिए, 12:27 पर करीब हमें कॉल मिली थी कि एक बिल्डिंग में आ गए। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसमें कोचिंग सेंटर था और कुछ बच्चे फंसे हुए हैं। हमने टोटल 11 गाड़ी मोबिलाइज की थी, जिसमें कि ब्रांटो जो स्काई लिफ्ट होता है ऊपर जो हाइट के लिए यूज़ किया था, उसको भी दो वो भी भेजे थे क्योंकि बच्चों का मामला था। आग पे पूरा काबू पा लिया गया। आग बहुत छोटी थी, बिजली मीटर में एक आग लगी थी, उसकी वजह से धुआं ज़्यादा था। ये जो आपने विजुअल देखे, ये शुरू में कुछ बच्चे पैनिक हो गए और वो खिड़की और रस्सी के सहारे उतरे। बाकी हमारे पहुंचने के बाद कोई आदमी ऐसे नहीं उतरा, कोई बच्चा नहीं उतरा, सबको हमने सीढ़ी लगा के या जो जीना उसमें था उससे उतारा गया। सभी सेफ हैं। मेरे को ये बताया गया जो इनिशियल में जो बच्चे चार रस्सी से उतर रहे थे, शायद वो गिर गए थे, तो चार बच्चों को चोट आई है, पर वो भी मेजर नहीं है, माइनर चोट है, बाकी और कोई बच्चा घायल नहीं है। सर, जो विजुअल जो देख रहे थे, काफ़ी पैनिक वाले विजुअल्स थे, बिल्डिंग से नीचे कूद रहे थे, तो देख के किस तरह से आप यस, मैं आपसे कह रहा हूँ कि धुएं की वजह से बच्चे पैनिक हो गए और वो पैनिक में जो है वो लोग घबरा के खिड़की से या रस्सी से उतरने लगे, क्योंकि ये मुखर्जी नगर बहुत कंजेस्टेड एरिया है और हमने इसीलिए 3 स्टेशनों से गाड़ियाँ मोबिलाइज कराई थी। और हमारे पहुँचने के बाद फिर पैनिक, क्योंकि हमारे आदमी पहुँच गए, उन्होंने सीढ़ियों से सीढ़ी लगा के उतारना शुरू किया। ये इनिशियल के विजुअल हैं, ये मेरे लिए भी बहुत डिस्टर्बिंग है कि बच्चे जो थे पैनिक होकर कूद गए। अदरवाइज आग बहुत छोटी थी और हमने, आप ये देखिए, 12:27 की बात है, करीब 1:30 बजे तक हमने ऑपरेशन ख़त्म भी कर दिए थे। अभी हमारी गाड़ियाँ सारी वापस भी आ गई हैं। सर? सेफ्टी नॉर्म्स की अगर बात की जाए, क्या इस जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसको, ये पूरी बिल्डिंग है, इसको NOC मिला हुआ था फायर की तरफ से, देखिए क्या अभी मैं तक? इसको अभी ये कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चेक करूँगा, पर मेरे को ऐसा लगता है कि शायद बिल्डिंग को तो NOC नहीं था, शायद इन्होंने कभी मांगा भी नहीं था, क्योंकि एट प्रेजेंट कोचिंग सेंटर अभी NOC मतलब कोचिंग सेंटर फायर सेफ्टी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। सर, इसकी इंक्वायरी भी की जा रही है, रिपोर्ट्स भी मांगी गई है, तो क्या थोड़ा बहुत सर? वो अभी देखेंगे। देखिए, हमारा पहला मेन उद्देश्य ये था कि बच्चे बचाए जाएं, आग बुझा ली गए, सारे बच्चे सेफ हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है आपके लिए भी, देश के लिए भी, ज़्यादा कोई इंजरी भी नहीं हुई है। और इसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे, जो भी लॉ के हिसाब से होगा पूरी कार्रवाई करी जाएगी। तो सर, अगर NOC नहीं होगा तो एक्शन लिया जाएगा पूरा सी के? NOC ये भी चेक करना है कि NOC इनको रिक्वायर्ड भी था कि नहीं था। सी, खाली ये आग किसी वजह से लगी है और हमें एक्शन लेना है, तो एज पर लॉ विल टेक एक्शन व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड।